आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमला बोला। आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहता है, लेकिन वहीं तेजस्वी ने धारा 370 और खुद के पार्टी अध्यक्ष बनाने की चर्चाओं पर पूछे गए सवालों पर कुछ नहीं कहा और चुप्पी साध ली। नहीं, आरक्षण को लेकर के तो हम लोग पहले से भी जो आरएसएस का एजेंडा है इसको जनता के बीच हम लोग रखने का काम किए थे कि ये पूरी तरीके से जो है इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है और आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। 370 जिस तरह से कर रहे हैं, छोड़िए सब बात में, 370 जिस तरह से हटाया गया सर, क्या कहेंगे उस पर? वहीं इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि आरक्षण को लेकर आरएसएस बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। बहस इस बात पर करिए कि इतने सालों बाद भी केंद्रीय नौकरियों में आरक्षित वर्गों के 80% पद क्यों खाली हैं? आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जो आरक्षण के पक्ष में है और जो इसके खिलाफ है, उन लोगों के बीच इस पर सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए। आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जो आरक्षण के पक्ष में है और जो इसके खिलाफ है, उन लोगों के बीच बातचीत होनी चाहिए। पटना से न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।